हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि कुमार, कोच ऑफ कर्नल शार्प शूटर जालंधर। आज मैं आपके सामने हेडसन की ग्लैडियस लॉन्ग पीसीपी राइफल लेके आया हूँ और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और इस राइफल के अंदर वो सब फीचर्स मौजूद है जो एक राइफल के अंदर होने चाहिए। तो एक एक फीचर्स के बारे में मैं बताऊंगा और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसके साथ क्या कुछ मिलता है। तो ये सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि इस राइफ़ल की सबसे अच्छी खूबी क्या है कि राइफ़ल कंपनी ने इसके साथ एक केस भी दिया हुआ है, राइफ़ल केस भी दिया हुआ है जो कि हार्ड प्लास्टिक के अंदर बना हुआ है और बड़ी अच्छी क्वालिटी का ये जो केस है। और जो इसका वेट है वो भी मैं बता दूं कि 5 kg का इसका जो राइफ़ल का केस है वो इसके साथ आता है। तो और राइफ़ल के साथ क्या कुछ आता है वो मैं अभी दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो लुक वाइज कितनी अच्छी राइफल है ये और इसके साथ क्या कुछ आता है। तो ये कुछ एक्सेसरीज हैं, ये सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ। ये इसके साथ एक मैनुअल आता है जिसके अंदर इसको यूज़ करने की तरीका और इसको जो इसके फंक्शंस हैं उसके बारे में बताया गया है। और ये भी इसी तरह का एक चार्ट है। और ये इसकी स्लिंग है जो कि राइफल को हैंग करने के लिए इसके साथ दी गई है, जो कि कंपनी ने इसके साथ दी है। और ये इसके साथ एक्सेसरीज है जो इसके साथ आती है, मैं दिखा देता हूँ। तो ये इसके साथ 4 मैगजीन्स आती हैं। देखो, मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि किसी भी राइफ़ल्स के साथ 1 या 2 मैगजीन्स आती हैं, बट इसके साथ 4 मैगजीन्स इस राइफ़ल के साथ दी जा रही हैं। और ये इसके टूल्स हैं जो कि इसके ओरिंग्स हैं या फिर इसका अडॉप्टर है या इस तरह के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो ये राइफ़ल मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये राइफ़ल आप देख रहे हो लुक वाइज कितनी अच्छी राइफ़ल्स है और आप देखने से ही जज कर सकते हैं कि इसके अंदर मुझे तो नहीं लगता किसी चीज़ की कमी है। तो एक एक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर जो एक राइफ़ल के अंदर मौजूद होने चाहिए वो सब हैं। तो सबसे पहले मैं राइफ़ल के बारे में बता दूं कि जो कि जो इसकी वेलोसिटी है, जो इसकी पावर है, वो 1170 FPS के अंदर इसकी वेलोसिटी आती है जो कि काफ़ी अच्छी वेलोसिटी है। और जो इसका वेट है वो 4.8 kg के अंदर वेट है और जो इसकी टोटल लेंथ है वो 38 इंच के अंदर इसकी टोटल लेंथ है। जो बैरल लेंथ है वो 23 इंच के अंदर इसकी जो बैरल लेंथ वो आती है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसके साथ जो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जो कि रबर जो बट प्लेट दी गई है इसके अंदर, जो कि ये एडजस्टेबल है, ये एडजस्टेबल है, आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हो। सेकेंडली आ जाता है चीक प्लेसमेंट, ये चीक प्लेसमेंट है, इसको आप ऊपर या नीचे भी कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें एक राइफ़ल के अंदर होनी चाहिए जो कि इस राइफ़ल के अंदर है। उसके बाद आ जाता है ये वेलोसिटी प्रेशर एडजस्टर, इससे आप क्या कर सकते हो कि जो अपनी गन की जो प्रेशर है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं 1 to 6, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो इसका प्रेशर है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद ये आ जाता है साइड लीवर, जो कि बड़ा अच्छा ये साइड लीवर है। जैसे आप देख रहे हो कि मैं नॉर्मली इसको पुश करूँगा और ऑटोमेटिकली ये जो साइड लीवर है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद आ जाता है ये रेलिंग, यहाँ पे आपको एम करने के लिए आप यहाँ पे जो स्कोप लगा सकते हो। और उसके बाद मैं आगे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे इस जगह पे ये पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट यहाँ पे आप लेज़र लगाने के लिए ये पॉइंट दिया गया है। और इसके दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस तरफ आप लाइट या टॉर्च वगैरह वो भी लगा सकते हो। और ये जो पॉइंट है ये बाईपोड के लिए उन्होंने जो रेलिंग दी गई है। और ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये प्लग है जो कि जो मैंने आपको दिखाई थी ये स्लिंग, वो लगाने के लिए ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। और यहाँ पे जो इस जगह पे आप 3 पॉइंट्स देख रहे हैं, ये मैगजीन्स, जो राइफ़ल की जो मैगजीन्स हैं उसको रखने के लिए, जो कि ये मैगजीन्स मैं आपको दिखाता हूँ, इस मैगजीन को रखने के लिए ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। और एक मैगजीन्स यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो 3 मैगजीन बचती है, वो यहाँ पे लगाने के लिए जो इसके अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इस राइफ़ल के अंदर मुझे तो नहीं लगता कि कोई कमी है। और जो इसका प्रेशर है, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जो इसके ये सिलेंडर है वो 250 बार का सिलेंडर है, जो कि मैक्सिमम
एक राइफल के अंदर आ सकता है, उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। तो सिलेंडर से लेके इसकी जो इसके पार्ट्स हैं या इस राइफल में जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब राइफल के अंदर दी गई है। तो ये राइफल्स तो मेरे अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। और इस राइफ़ल के रिगार्डिंग अगर आपको और कुछ पूछना हो तो जो हमारी वेबसाइट है colonel sharpshooters.com या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9888222248 पर जाके हमें संपर्क कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।